नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे कन्या लगन वाले जातकों के लिए, वर्गो एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 15 जून से 15 जुलाई 2022 के मंथली प्रिडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रिडिक्शन है, यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है, आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा, या D1 चार्ट भी इसे कहते हैं, लिखा होगा। और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 6 अंक लिखा है तो आपका कन्या लगन है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं 15 जून को कन्या लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। कन्या लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। इनके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सिक्स हाउस में शनि ग्रह रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। इनके सेवेंथ हाउस में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में मंगल ग्रह के साथ गोचर करेंगे। इनके एट्थ हाउस में राहु ग्रह मेष राशि में और शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। इनके नाइन्थ हाउस में बुध ग्रह गोचर करेंगे वृषभ राशि में, और इनके टेंथ हाउस में सूर्य ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इनके इलेवेंथ और ट्वेल्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजिशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में आगे प्लेनेट मूवमेंट करते हैं, उसके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के लिए। सूर्य ग्रह 15 जून से 15 जुलाई 2022 तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे, और सूर्य आपके लिए आपके ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके टेंथ हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन वाले जातक हैं, वे देखेंगे अपने कार्य व्यवसाय के लिए, अगर उनका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कार्य पूर्ण कराना हो, या कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य हो, या अपने बिजनेस व्यापार के लिए कोई ऐसा कार्य जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर के किया जाता है, उससे लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड टेंडर इत्यादि लेकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए कार्य को करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे टेंडर निकलते हैं, जिन्हें आप ले करके इस समय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 3 जून से 1 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह आपके लिए नाइन्थ हाउस में गोचर करेंगे, और बुध ग्रह आपके लिए आपके फर्स्ट और आपके टेंथ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके नाइन्थ हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको अच्छे भाग्य का साथ प्राप्त होना, इसके साथ साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल या रिलीजियस ट्रैवलिंग हो जाना, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो स्टूडेंट हैं, अगर वे हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, या एब्रोड से कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस से कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्हें हायर एजुकेशन प्राप्ति के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, और वे अपने कार्यों को एब्रोड जाना चाहते हैं या यहीं पर अपने कंट्री में रहकर अधिक दूरी से कोई अधिक लॉन्ग डिस्टेंस से कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे इन्हें प्राप्त करने से लाभ प्राप्त होगा। और जो जातक एब्रोड जाना चाहते हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें एब्रोड जाने से लाभ प्राप्त होगा, लाभ उनकी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जो जातक बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, या अपने प्रोडक्ट और सर्विस को किसी प्रकार से अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों तक पहुँचाते हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें यात्राएँ करना, अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विस का प्रेजेंटेशन करना, जितनी दूरी तक वे अपने मार्केटिंग वालों को भेज सकते हैं, मार्केटिंग टीम को भेज सकते हैं, उन्हें भेजने से लाभ होगा, उनका नेम फेम बढ़ेगा, उनका कार्य व्यवसाय बढ़ेगा, उनका जितना ज़्यादा प्रोडक्ट उनकी सर्विस जितने ज़्यादा शो में आएगी, उतनी ज़्यादा कस्टमर उतनी ज़्यादा क्लाइंट वे इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 2 जुलाई से 16 जुलाई 2022 तक बुध ग्रह मिथुन राशि में चले जाएंगे, बुध ग्रह जब मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो इस समय पर आप देखेंगे आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर कोई नया गैजेट, कोई सॉफ्टवेयर, कोई लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके माध्यम से
आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर प्रोग्रेस कर पाए, कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ा पाए, ऐसी चीज़ों के अंदर आप धन इन्वेस्ट करेंगे और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपनी वाणी के द्वारा सभी प्रकार से अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इस समय में आप ऑर्डर चलाकर भी, ऑर्डर देकर भी अपने स्टाफ से, अपनी अगर आपकी मार्केटिंग की टीम है उससे आप कार्य करा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। 23 मई से 18 जून 2022 तक मेष राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके सेकंड और आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके एट्थ हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन आपके परिवार के लिए, आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए, इसके साथ साथ कुछ धन ट्रैवल करने के लिए खर्च होता दिखाई देता है। इस समय में धन खर्ची होना है, टूर ट्रैवल पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सब चीज़ों के लिए आप व्यवस्था बनाकर रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब 18 जून से 13 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में शुक्र ग्रह चले जाएंगे, शुक्र ग्रह जब आपके नाइन्थ हाउस में वृषभ राशि में आ जाएंगे तो इस समय अंतराल में आपको अच्छे परिवार का सुख प्राप्त होना, परिवार के साथ एक अच्छी ट्रैवल टूर ट्रिप पर आपको जा पाना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त करना, अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त करना, सब चीज़ों का आप लाभ प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब 13 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक मिथुन राशि में शुक्र ग्रह भ्रमण करेंगे, गोचर करेंगे, तो शुक्र ग्रह यहाँ से इसके बाद में आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। इस समय अंतराल पर आप देखेंगे आपको अपने कार्य व्यवसाय के लिए, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके लिए आपको किसी अपोजिट सेक्स वाले जातक से एडवाइस लेकर के कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपका एम्प्लॉय हो सकता है, से एडवाइस लेकर के कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने ऑफिस में अगर किसी स्टाफ को रखना चाहते हैं तो अपोजिट सेक्स का आप अगर स्टाफ रखेंगे तो उसके एडवाइस, उसके कार्यों के माध्यम से आप अपने कार्य के अंदर, अपने वर्क प्लेस के अंदर प्रोग्रेस देख पाएंगे। उसके एडवाइस आपके लिए लाभदायक रहेगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने वर्क प्लेस पर भी कुछ रेनोवेशन इत्यादि का कार्य करा सकते हैं, वाइट वॉश इत्यादि कराना, कुछ नई चीज़ें लेकर के आना, जैसे एसी है, एसी, एलईडी, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लग्जरी चीज़ों का इस समय में, या अपने ऑफिस के लिए आप कोई कार परचेज कर लें, ऐसा भी देखा जा सकता है क्योंकि वो भी लग्जरी होती है। इस समय में इन चीज़ों का आप लाभ प्राप्त करेंगे। कार्य व्यवसाय आपका उत्तम चलेगा, कार्य व्यवसाय में आपको सफलता मिलना, नेम फेम होना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 17 मई से 26 जून 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह आपके लिए आपके फोर्थ और आपके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फोर्थ सेवेंथ हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। सॉरी, मंगल नहीं है, ये गुरु ग्रह है, दोबारा बताते हैं, मंगल की बात करते हैं। मंगल ग्रह 17 मई से 26 जून 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे और मंगल ग्रह आपके लिए आपके थर्ड और आपके एट्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेवेंथ हाउस में गोचर करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस समय अंतराल के अंदर 17 मई से 26 जून 2022 के बीच में जिन जातकों का जन्म होगा, जो नेटिव बॉर्न होंगे, उनके चार्ट के अंदर मांगलिक दोष देखा जाएगा। तो यहाँ पर एक विशेष चीज़ ध्यान करके रखने वाली या नोट करके रखने वाली रहेगी कि जिस समय पर इन नेटिव का मैरिज करी जाए तो उस समय पर मांगलिक दोष की शांति अवश्य कराई जाए, तब जाकर के लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो मंगल है ये पाप कर्तृयोग में भी है इस समय अंतराल के अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं आपके विषय में, तो यहाँ पर मंगल का आना ये बताता है इस समय में जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपने मित्रों के साथ किसी टूर ट्रैवल पर अगर जाते हैं तो वहाँ झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की बहसबाजी ना करें, शांतिप्रिय तरीके से टूर ट्रैवल का आनंद लें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज इस समय में चोट इत्यादि लगने की संभावना बनती है। अगर आपके मित्र ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं उन्हें होने दिया जाए, जोश में आकर के होश ना खोएं,
कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपका नुकसान हो, आपके मित्रों का कोई नुकसान हो, आपको कोई नेम फेम हानि हो, इससे बचकर रहने का प्रयास करें तो लाभ प्राप्त करेंगी। इसके साथ साथ जो कन्या लग्न वाले जातक मैरिड है, इस समय में वे देखेंगे कि उनके स्पाउस इस समय में काफ़ी एनर्जेटिक होंगे। इस समय अंतराल के अंदर उनके अंदर क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है, तो इस समय में उनसे एक अंडरस्टैंडिंग बना करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इस समय में उनके क्रोध की अग्नि बढ़ी रहेगी तो उससे बचकर रहने का प्रयास करें, लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जब मंगल ग्रह 27 जून से 9 अगस्त 2022 तक मेष राशि में चले जाएंगे, जब मंगल ग्रह मेष राशि में चले जाएंगे तो इस समय अंतराल पर आप देखेंगे, अगर आप मंगल ग्रह आपके अपनी स्वयं राशि में आ जाएंगे और ये आपके 8th हाउस में आ जाएंगे, इस समय अंतराल पर अगर आप कोई ट्रैवल करते हैं, मार्केटिंग इत्यादि कार्य है, तो उस समय में अपने व्हीकल को आसानी थोड़ा स्लो चलाएं। इसके साथ साथ इस समय में किसी भी प्रकार से किसी से रोड पर चलते हुए झगड़ा ना करें, झगड़ा करना यहाँ पर आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। इसके साथ साथ इस समय में कोई भी ऐसा फूड जो ज़्यादा स्पाइसी हो, ज़्यादा गर्म हो, खाने से बचना चाहिए, अदरवाइज इस समय में पाइल्स जैसी बीमारी होने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं तो इस समय अंतराल के अंदर आपके स्पाउस की वाणी में कटुता हो सकती है, वाणी उनकी शुद्ध नहीं रहेगी, इससे बचने का प्रयास करें और कोशिश करें कि वे अच्छे ही शब्दों का प्रयोग करें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपने कुटुंब के सदस्यों से कोई प्रॉपर्टी का आपका मैटर पेंडिंग है तो उसके अंदर यहाँ पर लाभ मिलने में डिले हो सकता है, कोई गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों के अंदर आपको जाना पड़ सकता है, तब जा कर के आपको कुछ प्रॉपर्टी या कोई चल अचल संपत्ति प्राप्त हो सकती है। आगे बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के विषय में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको अच्छे घर का सुख प्राप्त होना इस समय में हो सकता है, आपके घर के अंदर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, पर्याप्त मात्रा में धन का धन आपके घर के अंदर आना ऐसा आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो कन्या लग्न वाले जातक हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, ये समय उनके विवाह के लिए उत्तम रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर उन्हें एक अच्छा जीवन साथी प्राप्ति होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अगर मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के पास भी पर्याप्त मात्रा में धन होगा, और जो गुरु ग्रह है ये उत्तराभाद पर शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर अपने स्पाउस से धन लेने पर या धन मांगने पर झगड़ा हो सकता है या किसी प्रकार से मनमुटाव हो सकता है, तो जब उन्हें उनका मूड अच्छा हो तब धन मांगा जाए तब अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, वहाँ पर आपके बिजनेस पार्टनर हैं या आपके जो मित्र हैं जिनके साथ आप जॉब करते हैं, इस समय अंतराल के अंदर अगर आप उनसे कोई धन लेने जैसी बात करते हैं या कोई एडवाइस लेते हैं तो उनके एडवाइस को थोड़ा समझ करके इम्प्लीमेंट करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे, अदरवाइज उनकी दी हुई एडवाइस इस समय में फेल हो सकती है जिसकी वजह से आप किसी गहरी मुसीबत में फंस सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे शनिग्रह की। शनिग्रह 29 अप्रैल से 11 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शनिग्रह 5 जून 2022 से रेट्रोगेट हो गए हैं और ये 23 अक्टूबर 2022 तक यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे। उसके पश्चात ये 11 जुलाई से ये जो इनका रेट्रोगेशन का समय रहेगा ये अप्रोक्सीमेट 141 डेज का रहेगा और 12 जुलाई से शनिग्रह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अब शनिग्रह आपके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे 12 जुलाई को और यहाँ पर भी ये रेट्रोगेट ही रहेगी और शनिग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में पीछे जा रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लग्न वाले जातक जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जा कर के उन्हें एजुकेशन की प्राप्ति होगी। और इस समय में अगर वे अपने फ्यूचर को सामने रख कर के कोई बड़ी या कोई अच्छी एजुकेशन महंगी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए
मैं रुकने के लिए कहूँगा, या इस समय में ही लेनी है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके, कुछ उपाय वगैरह करा करके, शनि की पोजीशन आप अपने बर्थ चार्ट में दिखाएं कि शनि कहाँ पर है, क्या रिजल्ट आपको दे रहा है, किसके नक्षत्र में है और महादशा किसकी दशा चल रही है। अगर अच्छी दशा है, अच्छे नक्षत्र में है, अच्छी जगह प्लेस्ड है और तो आप इस समय में कोई डिसीजन ले सकते हैं, अदरवाइज इस समय में अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस कराकर ही कोई डिसीजन लेंगे अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। अदरवाइज इस समय में आपका डिसीजन, जो इस समय में आप डिसीजन लेंगे वो आने वाले समय में रॉन्ग हो सकता है या उसमें कोई फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से आपको आपके एजुकेशन लेने का कोई बेनिफिट प्राप्त होता नहीं दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो कन्या लग्न वाले जातक मैरिड हैं, उनके संतान हैं इस समय में, उन्हें उनकी संतान से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। संतान की हेल्थ खराब हो सकती है, इसके साथ साथ संतान की हेल्थ के ऊपर कुछ धन खर्च हो जाए, संतान एजुकेशन में सही परफॉर्म ना कर पाए, इस सब चीज़ों का यहाँ पर होना घटित हो सकता है। तो उसके लिए अपनी संतान का ध्यान रखें तो लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ शनि ग्रह यहाँ पर जो गोचर कर रहे हैं, शनि ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इस समय में हो सकता है संतान आपसे झगड़ा करे, उसका उसका स्वभाव क्रोधित हो जाए, क्रोधी स्वभाव की हो जाए, आपकी बातों को ना माने, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती है, जिद्दी स्वभाव हो जाए, तो इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, ये आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु का यहाँ पर गोचर जो है ये भरणी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ जो राहु है यह किसी फीमेल के माध्यम से आपके नेम फेम को बढ़ा भी सकता है। कोई फीमेल आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस या आपके नाम नेम फेम को बढ़ा सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, प्रॉपर्टी इत्यादि का, तो वो यहाँ पर किसी फीमेल के माध्यम से शॉर्ट आउट होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं और आपके स्पाउस के परिवार वाले जो हैं वहाँ पर भी उनसे कोई वार्षिक संपत्ति अगर मिलने वाली है तो वो किसी फीमेल की हेल्प के माध्यम से आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। परंतु इस समय में आपको एक चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए, आपको खाने पीने की चीज़ों के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इस समय में ओवर डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, अगर आप ओवर डाइट करते हैं तो आपको पेट और पेट से संबंधित प्रॉब्लम होने की या गुप्तांग से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना दिखाई देती है। इस समय में आपको अगर कोई डिजीज़ है तो आप अपनी बीमारी को, जो आपकी बीमारी है उस डिजीज़ के लिए जो आप मेडिसिन खा रहे हैं थोड़ा सा गूगल सर्च कर लें या किसी से और एक डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के खाएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज इस समय में ऐसी संभावना बन सकती है कि आपको डिजीज़ कुछ थी और बीमारी के लिए, डिजीज़ के लिए मेडिसिन कोई और सी दे दी गई, या ऐसा भी हो सकता है जो मेडिसिन आपने खाई, मेडिसिन सही लिखी थी, मेडिसिन जो आपने खाई वो मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी थी जिसकी वजह से हेल्थ पे प्रभाव पड़ सकता है, हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकते हैं, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा मेडिसिन को पर्चे से मिला करके, वही मेडिसिन जो डॉक्टर ने लिखी है वही है या कोई और सी है, इसके साथ साथ क्या वो एक्सपायर हो चुकी है या नहीं हुई है, इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके आप मेडिसिन का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके पैरों के लिए विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, चलते समय, भागते समय, दौड़ते समय पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखिए, अदरवाइज पैरों के अंदर कोई चोट इत्यादि लगने की संभावना बन सकती है। आगे बढ़ते हैं केतु ग्रह के लिए। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे और केतु ग्रह यहाँ पर विशाखा नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपकी वाणी के अंदर भजन कीर्तन इत्यादि होना, इसका लाभ आप प्राप्त करेंगे, प्रसादम इत्यादि का सुख प्राप्त होना, प्रसाद इत्यादि आपको मिलना, अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक प्लेस पर जाना, प्रसाद इत्यादि का भक्षण करना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, पूजा पाठ इत्यादि में आपका मन लगेगा, धार्मिक रहेंगे, सब चीज़ों का आप लाभ प्राप्त करेंगे। तो ये था कन्या लग्न वाले जातकों के लिए प्लेनेटरी पोजिशन के ऊपर वर्णन। अब बात करते हैं कुछ गुड डेट्स और कुछ डेट टाइम टू बी केयरफुल के लिए। गुड डेट तो आप जानते ही कि गुड डेट होती है, परंतु ये जो डेट है टाइम टू बी केयरफुल, ये कोई डरने के लिए डेट नहीं है, ये वे डेट है जिन डेट्स में हमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है,
तो उनसे बचने के लिए, जब हमें पहले ही मालूम हो गया है कि इन डेट्स में हमारे साथ कोई प्रॉब्लम घटित हो सकती है, कोई परेशानी आ सकती है, तो क्यों ना उससे बच करके चला जाए। कुछ उपाय मैं आपको बतलाऊंगा, उस उपाय को करके आप इन डेट्स में निकलेंगे तो काफ़ी संभावना बनेगी कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आने वाली थी तो आप उससे बच करके निकल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 जून को, ये 15 जून जो है ये आपके लिए उत्तम रहने वाली है। इस डेट में आप अपने घर परिवार व्हीकल के साथ अच्छा आनंद और दिल के अंदर एक पीस का अनुभव प्राप्त करेंगे। इस समय में हो सकता है आपको आपके माता पिता की कोई हेल्प मिल जाए या उनसे आपकी मीटिंग हो जाए, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 18-19 जून को, 18-19 जून जो स्टूडेंट हैं उन्हें इस समय में कोई भी बड़ा डिसीजन अपने एजुकेशन या अपने करियर को पॉइंट ऑफ व्यू करके नहीं लेना चाहिए। इस समय उन्हें उनके क्रिएशन आदि के कार्यों से रिलेटेड कार्यों के लिए भी रुकने का होगा या किसी से एडवाइस लेकर के करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस डेट में जो कन्या लग्न वाले जातक जिनकी मैरिड, जो मैरिड हैं और जिनके संतान हैं, वे देखेंगे इस समय में उनकी संतान काफ़ी क्रोधित हो सकती है। इस समय में जिद्दी स्वभाव का होना देखा जा सकता है। संतान से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20-21-22 जून को, 20-21-22 जून ये जो समय रहेगा ये आपको आपके, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने मित्रों के साथ एक ट्रैवल ट्रिप पर, टूर ट्रैवल ट्रिप पर जाने के लिए रहेगा। छोटी टूर ट्रैवल हो सकती है, यात्रा का अनुभव लें। धन इस समय में आपके पास पर्याप्त मात्रा में होगा, आनंद प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जो मैरिड है इस समय में वे अपने स्पाउस के माध्यम से धन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि धन मांगने के लिए आप समय देख लेना, तो ये समय उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने स्पाउस से धन की डिमांड कर सकते हैं, वो आसानी से आपको धन दे देंगे। उनके पास भी धन होगा और वे आपको आसानी से दे भी देंगे, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ हो सकता है किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का आपको अवसर प्राप्त हो या किसी मंदिर इत्यादि में आपकी विजिट हो, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 3-4 जुलाई को, 3-4 जुलाई के दिन ये जो समय रहेगा, यह समय आपको आपके अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए या अपने किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ के लिए कुछ धन खर्ची करने वाला हो सकता है। इस समय में आपका कुछ धन खर्ची हो सकता है, तो खर्चे के लिए एक बजट बना करके चले, थोड़ा सा केयरफुल रह करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 9-10 जुलाई को, 9-10 जुलाई ये आपके लिए उत्तम रहने वाली है। इस समय में आपको ट्रैवल कर सकते हैं, इस समय में धन का लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। हो सकता है आपको आपके सिबलिंग्स के यहाँ पर जाने का अवसर प्राप्त हो, पड़ोसियों के यहाँ पर कोई पार्टी इत्यादि हो सकती है, नेम फेम और धन लाभ की प्राप्ति के अवसर बनेंगे। और जो मार्केटिंग करते हैं उन्हें मार्केट में जाने से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 13-14 जुलाई को, 13-14 जुलाई ये जो समय रहेगा ये संतान के लिए केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इसके साथ साथ अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इस समय में आपके स्पाउस की हेल्थ किसी कारण से ख़राब हो सकती है, उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब अगर आप इनमें से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो क्या उपाय किया जाए जिससे कि आपका ये समय उत्तम रहे और आपको सभी प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति हो। इसके लिए आपको प्रत्येक बुधवार के दिन किसी गाय को हरा चारा खिलाएं, हरे चारे में पालक ही ना खिलाएं क्योंकि पालक गाय खाती नहीं है मोस्टली। आप कोई हरी सब्जी भी ले सकते हैं, आप अपने हाथ से खिलाएं। हाथ से खिलाने के पश्चात गाय का मस्तक जो होता है उसे छू करके, हाथ जोड़ करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे एक बार उसे निकलने के लिए बोल दें, तो आप देखेंगे कि आपकी वह प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपका यह समय उत्तम व्यतीत होगा। तो ये था कन्या लग्न वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।